अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा निडल प्लेट सिलाई मशीन में जब निडल प्लेट हम चेंज करते हैं और इसमें देखते हैं कि निडल प्लेट मतलब है कि इसमें लगाने के बाद या आपके पास पहले से कोई मशीन है और इसमें निडल प्लेट जो है ना निडल इस तरीके का से प्लेट के ऊपर बिल्कुल साइड पर गिर रही है, जिसके वजह से निडल बार बार ख़राब हो जाती है और उसकी नोक भी ख़राब हो जाती है, निडल प्लेट भी ख़राब कर रही होती है, शटल भी ख़राब कर रही होती है। तो इसको किस तरह इसको हम सही कर सकते हैं, इसलिए अक्सर जो है कि लोग निडल प्लेट कहीं से ख़रीद करके ले करके जाते हैं और देखते हैं कि यह निडल जो है ना निडल प्लेट जो है ना ये फिट नहीं हो रही है और मतलब है कि साइड बिल्कुल साइड पे निडल आ रही है। तो इसको हम किस तरह सही कर सकते हैं, ये देखें कितने साइड ऊपर रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका सही तरीका, इसको किस तरह आप सही कर सकते हैं। पहले मैं इसको प्लेट को खोलता हूँ। इसको इस तरह खोल रहा हूँ कि इस मशीन के जो निडल प्लेट की जो प्लेट की जो सुराख है, ये निडल प्लेट की जो पेच की जो चूड़ी है यहाँ की थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं इसको अब इसको दोबारा इसको देखें ये कहाँ कहाँ पे ये इश्यूज़ आ रहा है। ये ठीक है ना, यहाँ ये साइडों पे फंस रहा है ये। तो लिहाजा मैं इसको क्या करूँगा, इसको इधर लाने के लिए इसकी इस जगह पे थोड़ी सी कटिंग करूँगा। ये देखें यहाँ पे अगर कोई कलर वगैरह हो ज़्यादा तो इसको हटा दें आप। यहाँ से निडल प्लेट को इधर लेके जाना है तो आपने यहाँ ख्याल रखना है ज़्यादा, यहाँ पे इस तरह कोई इसको साफ करना है आपको। और आप इसको दोबारा लगा के देखना है आपको। यहाँ पे अगर जगह अगर स्पेस ना हो तो हम निडल प्लेट को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये सब कटिंग करेंगे इसको, इसलिए अगर ये कटिंग करेंगे अगर इन साइडों पे जो ये लग रही है समझ लीजिएगा मशीन के बॉडी पे, तो इस लिहाज से ये साइड पे इसको हमें दबाना है इसको, इसलिए निडल और जिसको बोलते हैं शटल दोनों के जो है ना टाइमिंग बिल्कुल सही है, तो लिहाजा हम इसे छेड़ेंगे। धार को ख़त्म कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेक करेंगे इसको करके इस लिहाज से। ये थोड़ा सा ये बाहर स्क्रब आया हुआ, ये क्रोच आया हुआ इसको,
इसको आपने इसको ख़त्म करना है आपको। जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब देखें ये इसको लगा के चेक करना है इसको। ये देखें अभी भी है ये मसला। तो ये दांत की तरफ जब हम इसे दबा रहे हैं तो ये दांत की तरफ जो है इन साइडों पर ये लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दांत को इस साइड पे आना है थोड़ा सा, तो दांत को इस साइड पर लाएंगे तो ये प्लेट भी इस तरफ भागेगा। और इस तरह आप देखें यहाँ पे इसकी जगह है काफ़ी, इसमें ये आ सकता है प्लेट यहाँ पे। इसको किस तरह भगाएंगे आपने इससे देखना है, गौर से देखिएगा समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरह आप कर सकते हैं, ये 14 का पाना लेना है, ये दोनों साइड खोलना है आपको, इधर देखें, फिर इसको आपने यहाँ से भी खोलना है। आपने बड़ी लट को थोड़ा सा इसको यहाँ भगाना है, ये देखें ये आप तकरीबन 3 चूड़ी के करीब आपको इसको दबाना है। और आपने देखना है ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें फासला आया हुआ होगा, ये ठीक है ना, इतना फासला रखना है आपको। उसके बाद आपको इसको यहाँ से आपको तकरीबन दरमियाना टाइट कर देना है, फाइनल टाइट नहीं करना है, ठीक है। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद इसको ज़्यादा टाइट कर देना है इसको। जब हम इस ये सेंटर स्क्रू को आप देखें, आप इसका जो है ना निडल जो है बिल्कुल सुरा के बीच सेंटर में गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। देखें व्यूअर्स, आप इसमें देखें निडल बिल्कुल बीच सेंटर में गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। ये सुराख बिल्कुल निडल प्लेट के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पर है, तो लिहाजा आपने इसको बिल्कुल सेंटर पर कर लिया। और आप देखेंगे यहाँ पर निडल प्लेट के जो है ना यहाँ पे सुराख पर ये देखिएगा थोड़ा सा अब ये डिसबैलेंस हो रहा है इस जगह पे। अब इस डिसबैलेंस को किस तरह रिकवर करना है आपको ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखें ये फर्स्ट क्लास इसकी सेटिंग हो गई है, लेकिन इसके नट की जगह बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो गया है ये। अब इसको किस तरह हमें सही करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपने इसको प्लेट को निकाल लेना है और ये आपने इसको इस साइड आपको करना है, तो आपको यहाँ पे एक पंच होगा, ये यहाँ पे एक पंच लगाना है आपको, ये देखें। और एक पंच लगाना है इस सेंटर पे, ठीक है। अगर आपने गलत लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये देखें इसको इस तरह मारना है आपको, ये इतना मुश्किल तरीके से और आसान तरीके से इसको कोई आपको बहुत ही कम मैकेनिक बताएंगे, ये रास की चीज़ है। और इसमें जो खरोच है इसको आपको सही कर लेना है, इसको
कोई भी धार वाली चीज़ से। इसको सेट कर लें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो हमारे लिए थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। अब इसको लगाते हैं। आपने लगाया फुल टाइट मारना है आपको। आप देखें इसको थोड़ा सा इसको यूं मारे जरा सा। थोड़ा सा यहाँ से भी इसको दोबारा खोलते हैं और इसको ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है तो इसको जो है ना थोड़ा सही करेंगे। कोई मुश्किल यानी कोई सामान है मशीन का लगाना और उसको 5 मिनट में कोई अच्छे अंदाज़ में या नॉर्मल अंदाज़ में अगर हम बता दें तो समझ में नहीं आएगी। तो मुश्किल चीज़ों को मुश्किल अंदाज़ में आसान करके बताना होता है हमें। ये नहीं कि मैं आपको जिस तरह भी जल्द से जल्द करके बता दिया और वो चीज़ आप के लिए जब आप अपने प्रैक्टिकली तौर पर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। तो हमें इस चीज़ को ख्याल रखना है। जो आसान होगा वो आसान चीज़ों में वो टाइम कम लगेगा और वो मुख्तसर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब ये है लॉन्ग वीडियो में है तो थोड़ा सा तो मैं आपको कैसे बता दूं। अगर किसी मशीन में निडल प्लेट आपने लगाया और ये इशू आ नहीं रहा है तो फौरन लग गया ये तो उसमें फिर इतने देर की वीडियो बनाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये देखें व्यूअर्स, अब ये इसके निडल जो है ना ये देखें बिल्कुल 20 सेंटर में आ रही होगी।